से मुख्यमंत्री बढ़ावा नहीं देते? क्या बढ़ावा नहीं दे रहे मुख्यमंत्री ऐसी बातें करके? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश में पहली बात तो ऐसी घटनाओं के ऊपर विराम लगा, पर जो मुख्यमंत्री खुद ऐसी घटनाओं में भेदभाव करते, उदयपुर की घटना होगी तो मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, क्योंकि वो किसी और जाति की बात है। वहां पर स्वयं जाकर न सिर्फ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार के 2-2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और यहां पर क्योंकि एक दलित परिवार है, आपने मुआवजा देना तो दूर, आपने आने तक की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कितनी जानकारी होगी भैया कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है। 7:30 बजे प्रशासन लेके गया और रात को 9 बजे बॉडी को दफनाया गया और हिंदू धर्म के अंदर 7 बजे हमारे यहाँ दफना दी और हमारे यहाँ सूर्यास्त होने के बाद बॉडी को बाहर नहीं लेके गया। प्रशासन यहाँ दूसरे दिन करते प्रशासन जिस तरीके से एक छोटे से मासूम बच्चे को जो कि 3री कक्षा में पढ़ता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, संभवतः कल को वो बड़ा होके डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रशासनिक सेवा में जाता, जो भी बनता, पर कम से कम अपने परिवार का सहारा बनता, अपने बूढ़े दादा का सहारा बनता, अपने पिता का सहारा बनता, अपने भाई बहनों का सहारा बनता। आज भविष्य के उस सहारे को छीन लिया गया, कारण सिर्फ मटके से पानी पीना, क्योंकि अभी भी कई ऐसी मनुवादी सोच के लोग यहां पर हैं जो इस छुआछूत में विश्वास रखते हैं, जो भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, और शर्म इस बात पर आती है जो लोग उन लोगों का संरक्षण करते हैं। आज एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे मटकी से पानी पिया और उस टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरे मटके से इसने कैसे पानी पिया। तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कितनी जानकारी होगी भैया कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है। इसे मुख्यमंत्री बढ़ावा नहीं देते? क्या बढ़ावा नहीं दे रहे मुख्यमंत्री ऐसी बातें करके? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश में पहली बात तो ऐसी घटनाओं के ऊपर विराम लगाए, अंकुश लगना चाहिए ऐसी घटनाओं का, पर जो मुख्यमंत्री खुद ऐसी घटनाओं में भेदभाव करते हैं, उदयपुर की घटना होगी तो मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे, क्योंकि वो किसी और जाति की बात है। वहां पर स्वयं जाकर न सिर्फ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार के 2-2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और यहां पर क्योंकि एक दलित परिवार है, आपने मुआवजा देना तो दूर, आपने आने तक की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। और आपके जितने मंत्री यहां पर आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, भाई सरकार आपकी है, उन मंत्रियों के आश्वासन से क्या होता है भैया? सरकार आपकी है, तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ आप मुआवजा दीजिए, बहरहाल आपके मुआवजे से बच्चा तो लौटेगा नहीं, पर कम से कम एक आर्थिक सहायता परिवार को होगी। जो परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही, क्यों भैया? आप परिवार और ये दलित, यही दलित परिवार है, जब चुनाव आएंगे तो इनके आस पास लोग दौड़ेंगे, वोट बैंक बनाया जाएगा, इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और सबकी तरफ से किए जाएंगे, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो।